हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यश। तो ब्रिटिशर्स की कहानी का ये दौर फिर आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिशर्स के बारे में अभी तक हमने उनके उपनिवेशवाद के चरणों को देख लिया था, अब हम आगे बात करेंगे ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति की। तो विभिन्न क्षेत्रों की दशाओं के अनुसार ब्रिटिशर्स ने तीन तरह की भू राजस्व नीतियां अपनाई थी, जिसमें पहला था जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो भारत के क्षेत्रों में जहां स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र में लागू था, तो वहीं रैयतवाड़ी सबसे ज्यादा 51% क्षेत्र में लागू थी और महलवाड़ी व्यवस्था को भारत के 30% क्षेत्र में लागू किया गया था। तो इन व्यवस्थाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की, जो भारत के 19% क्षेत्र में लागू थी। और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने साम्राज्यवादी विस्तार करना शुरू कर दिया था, विभिन्न क्षेत्रों में कब्जे करना शुरू कर दिए थे और उसके लिए सेना रखी थी, तो सैन्य सामग्री की जरूरत थी उन्हें और सेना को वेतन भत्ते भी देना था, तो उसके लिए धन की जरूरत थी। तो धन किससे प्राप्त किया जा सकता था? भू राजस्व प्रबंधन करके, मतलब कर वसूल करके, अलग अलग माध्यमों से कर वसूल करते थे फिर ये। तो स्थायी बंदोबस्त का सबसे पहले सुझाव दिया था वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकारिणी के सदस्य फ्रांसिस ने, लेकिन 1793 में इसे लागू करने का श्रेय जाता है कार्नवालिस को और इसमें उनका सहयोग जॉन सोर ने किया था। तो अब स्थायी बंदोबस्त लाने का इनका उद्देश्य क्या था? तो पहले तो इनको भू राजस्व प्राप्त करना था स्थायी रूप से, और स्थायी रूप से प्राप्त करके इनको कृषि का भी विकास करना चाहते थे ये, और एक समर्थक वर्ग चाहते थे, जमींदार जैसा समर्थक वर्ग जिसके पास धन भी हो और जिनके हित ब्रिटिशर्स के हित से जुड़े हों। मतलब जब तक ब्रिटिशर्स ने ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू रखी तब तक जमींदारों की चांदी ही चांदी रही, और इसी व्यवस्था के साथ प्रशासनिक कार्य जमींदारों के ऊपर डाल दिया गया और आसानी से आर्थिक हित पूर्ण होते रहे अंग्रेजों के। अब आगे देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त थी कैसी व्यवस्था। तो इसमें जो जमींदार होते थे उनको भूमि का मालिक बना दिया गया था, मतलब चारागाह, जंगल, तालाब, सार्वजनिक भूमि सभी नीलामी के नाम पर जमींदारों को दी जाती थी कि तुम इतना भू राजस्व इस भूमि से हमको दोगे। तो भूस्वामी जमींदार बन गए थे। अब इसमें जमींदारों को जितना भी कर प्राप्त करते थे वो जमींदारों को उसमें से 1/11 भाग मिलता था और ब्रिटिश सरकार को 10/11 भाग जाता था कर के रूप में। अब ये भू राजस्व की दर 1790 से 91 में 2,68,00,000 डिसाइड की गई थी टोटल क्षेत्र से, और इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र आता था। इसी के तहत 1793 में एक सूर्यास्त कानून भी लाया गया था, जिसके तहत तो जो भी व्यक्ति निर्धारित समय तक कर अदा नहीं कर पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। अब देखते हैं कि इस व्यवस्था को लाने का परिणाम क्या रहा, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हुए इसके। तो सकारात्मक परिणाम की बात करें तो ब्रिटिशर्स को नियमित आय प्राप्त होने लगी, मतलब बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को भू राजस्व उतना प्राप्त होना ही है। अब वो किसान का हेडेक है कि वो कैसे करके अपना कर अदा कर रहा है। फिर एक समर्थक वर्ग जमींदार के रूप में प्राप्त हो गया, तो साथ ही साथ बार बार कर निर्धारित नहीं करना पड़ता था, एक बार कर डिसाइड कर दिया उतना तो मिलना ही है अंग्रेजों को। फिर उसके बाद जमींदार जो वर्ग थे वो संपन्न हुआ, आर्थिक सामाजिक दशा सुधरी उनकी। तो इसी रूप में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ था जिसने शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया बाद में। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस व्यवस्था के नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या नकारात्मक परिणाम हुए इसके। तो सबसे ज्यादा नकारात्मक परिणाम किसानों को पड़ा, क्योंकि किसानों को तो बाढ़ आए, सूखा रहे, सभी कंडीशन में चाहे तुम ऋण लेके दो लेकिन तुम्हें भू राजस्व देना है, नहीं तो तुम्हारी भूमि चली जाएगी। तो ये हुआ। और अनुपस्थित जमींदारी प्रथा शुरू होने लगी, मतलब जमींदार जो रियल वाला है वो तो शहर में रह रहा है, उसने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया अपने नीचे कि तुम हम जमींदारों के सारे काम करोगे, और बिचौलियों की भी श्रृंखला शुरू हो गई। वैसे ही वो अधिकारी भी नीचे अपने कोई अधिकारी नियुक्त कर देता था लगान वसूल करने के लिए। फिर आगे नेगेटिव ये रहा कि कृषि का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि किसानों के पास पूंजी नहीं होती थी खेती अच्छी करने के लिए, और जमींदारों का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कुछ इन्वेस्टमेंट करें वो अलग से। और इससे अंग्रेजों के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि अब समय निकलते निकलते उनकी जो आवश्यकताएं थी वो भी तो बढ़ रही थी ना, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार फिर उनको उतना धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, मतलब क्योंकि एक भू राजस्व निश्चित कर दिया था उन्होंने, तो अब उनको ज्यादा धन की आवश्यकता होने लगी थी। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में फिर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त के अलावा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की, और कृषकों के शोषण के कारण कई कृषक विद्रोह भी हुए बाद में।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्थायी बंदोबस्त था उसने किसानों को तो इतना निर्धन कर दिया, बहुत गरीब हो गए बेचारे, और अकाल बार बार पड़ते थे तो उनकी दशा तो और खराब हो गई थी। लेकिन एक चीज थी कि पहली बार भारत में कोई भूस्वामी वर्ग आया था जमींदार के रूप में। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब हम आगे बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह व्यवस्था लानी क्यों पड़ी अंग्रेजों को। तो पहली बात कि अंग्रेज अब इनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी अंग्रेजों की, तो समय समय पर वह चाह रहे थे कि भू राजस्व का निर्धारण कर सकें। और स्थानीय परिस्थितियां भी अलग अलग थीं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था, और इसके अलावा वहाँ की भौगोलिक संरचना भी अलग थी, वहाँ की भूमि और उत्पादन पूरा अलग था। अगली बात करते कि यूरोपीय विचारधारा ये थी कि उन्हें किसानों से सीधा संबंध बनाना था और बिचौलियों का अंत करना था, मतलब बीच में जो मध्यस्थ काम कर रहे थे लगान वसूल करने के लिए, उनका अंत करना था ब्रिटिशर्स को, और किसानों के सामने अपनी छवि भी अच्छी करनी थी। और इसके लिए उन्होंने रिकार्डो का सिद्धांत अपनाया, जिसमें क्या होता था कि कुल उत्पादन जितना होता था उसमें से लागत को घटा दिया जाता था, तो जितना भी अधिशेष बचता था उसका बंटवारा करते थे किसानों और सरकार के बीच। तो इससे किसान भी खुश, सरकार भी खुश। तो अब इस भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो ये भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी, जिसमें दक्षिण और पश्चिमी भारत आता है। अब इसमें पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और सामुदायिक और बंजर भूमि को राज्य के नियंत्रण में रखा जाता था, और किसान अब जमीन की खरीद और विक्री भी कर सकते थे। अब सर्वप्रथम यह जो व्यवस्था थी वो कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू की, लेकिन फिर बाद में पूरे मद्रास में इसको 1810 में टॉमस मुंड्रो ने लागू किया, और फिर साथ ही एल्फिस्टन ने बॉम्बे के पूरे बॉम्बे क्षेत्र में इसको लागू किया। अब इसमें क्या किया जाता था कि किसानों को भूस्वामी बनाकर भूमि का पट्टा दिया जाता था, और समय समय पर उस भूमि के भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था लगभग हर 20 वर्ष में। अब इस व्यवस्था को लागू करने का परिणाम क्या हुआ? तो पहली बात कि सैद्धांतिक रूप से तो कृषक स्वतंत्र हो गए और भूस्वामी बन गए, लेकिन ये जो व्यवहारिक रूप से ये चीज़ नहीं थी, मतलब रियलिटी ये थी कि कृषकों का शोषण बहुत होता था, क्योंकि भू राजस्व बहुत वसूल करते थे अंग्रेज। तो अब इसमें भी किसानों को भू राजस्व तो देना ही था, तो वो बेचारे महाजनों के पास जाते और उनसे ऋण लेते और भू राजस्व चुकाते। अब ये ऋण लेने के चक्कर में इतने गरीब हो गए थे कि भूमि इनको गिरवी भी रखनी पड़ती कई बार, और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता, इसलिए किसान हमेशा लगातार ऋणग्रस्त होते रहे, और अत्यधिक भू राजस्व के कारण उन्हें अपनी भूमि बेचनी भी पड़ती थी। मतलब एट द एंड किसानों का ही शोषण हुआ और वे मालिक से मजदूर भी बन गए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की। महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल होता है ना, वो गांव को कहा जाता है। मतलब एक गांव होता था और उसमें एक मुखिया बना दिया जाता था, और पूरे गांव के जो किसान होते थे वो उस मुखिया को अपना कर देते थे और उससे कर प्राप्त करते थे ब्रिटिशर्स। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में स्टार्ट की थी, जो ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। इसमें मध्य प्रांत आता था, संयुक्त प्रांत और पंजाब के क्षेत्र आते थे। अब भू राजस्व भी टाइम टाइम पर निर्धारित किया जाने लगा था। अब ऐसा होता था कि जो भी किसान भू राजस्व टाइम पर नहीं दे पाता था तो उसकी भूमि जो होती थी वह ग्राम सभा के पास जब्त कर ली जाती थी, और उस भूमि से उस किसान को बेदखल कर दिया जाता था। मतलब इस व्यवस्था में भी किसान ही शोषित हुए। एक तो भू राजस्व बहुत अधिक लिया जाता था, और मुखिया के रूप में जो महालों का मुखिया होता था उसके रूप में एक शोषक वर्ग हो गया था, जैसे जमींदारी प्रथा में हमने जमींदार को देखा था। तो अब हमने तीनों व्यवस्थाओं के बारे में बात कर ली। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के परिणाम क्या हुए, इनका रिजल्ट क्या निकला। तो पहला तो ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन हो गया था, एक तरफ थे जमींदार और महाजन तो दूसरी तरफ थे किसान, और इनमें भी किसान का ही शोषण हुआ करता था। किसान बहुत निर्धन होने लगे थे, बहुत गरीब होने लगे थे, और जमींदार साहूकार और किसान इन तीनों के बीच बहुत तनावपूर्ण संबंध हो गए थे। और तो और जब भूमि की खरीद विक्री शुरू हो गई तो लोगों ने कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया। अब कर्ज लेने लगे तो मुकदमेबाजी का भी विकास होने लगा, कर्ज अदा नहीं करते थे ना, तो जिससे संयुक्त परिवार में भी दरार पैदा होना शुरू हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि जहां भू राजस्व ज्यादा था तो लोगों को ये लगने लगा कि जब भू राजस्व ज्यादा है हमें देना ही है, तो हम क्यों ना नकदी फसलों की खेती करने लगे। तो वो नकदी फसलें उत्पादित करने लगे, जिसके कारण खाद्यान्न की जो फसलें थी ना, गेहूं धान हुई, तो उनमें कमी होने लगी, और इन्हीं सब ने मानव जनित अकाल को जन्म दिया। मतलब अकाल पड़ने लगा था खाद्यान्न की वस्तुओं के लिए, जहां उत्पादन तो ज्यादा होता था लेकिन खाने की वस्तुओं की कमी पड़ गई थी।
तो इस पूरी नीति के अध्ययन के बाद हमें पता चलता है कि भू राजस्व जो नीति थी ना, उसका मूल उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त करना, जिसके कारण बहुत सारे किसानों का शोषण हुआ, क्योंकि बहुत सारी आबादी खेती करती थी उस समय। और हम तो आज भी बोलते हैं कि हमारा भारत गाँव में बसता है, इसलिए जब गाँव निर्धन हुए, किसान निर्धन हुए, तो भारत भी निर्धन हो गया, भारत में भी गरीबी छा गई थी उस समय। और गाँव के अशांत होने से उसी समय से किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह की दशा भी पैदा होने लगी थी। तो ये था अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से लगा हुआ टॉपिक देखेंगे, कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और यदि लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए लेक्चर्स को, और यदि आप न्यू हैं इन दिस चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फाइनल रिवीजन में आप सुन रहे थे यश को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।